लिखता है छोरे ने? रिकॉर्ड तो बड़े अच्छे है। बात भी अच्छी लिखता है। लिखता है कि हमारे मास्टर जी कहते हैं कि सीमा के उस पार हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, कपड़े भी हमारे जैसे ही पहनते हैं, भाषा भी हमारे जैसे ही बोलते हैं। बाबा ये बात अगर सच है तो लोग हमसे लड़ते क्यों हैं? बाबा अगर लड़ाई खत्म हो जाए तो घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। बरखुरदार रतन सिंह, घर की छत टूट गई है, बनाने की कोशिश करते हैं तो तूफान आ जाता है, बर्फ गिरती है तो छुपने की जगह नहीं मिलती। जल्दी छुट्टी लेके आ जाओ तो घर को नई छत मिल जाए और हमें हमारा बेटा। तुम्हारी अम्मा कह रही है कि मरने से पहले तुम्हारी खुशियाँ जी भर के देखना चाहती हूँ। तुम देश की रक्षा में अपना धर्म तो निभा रहे हो, पर माँ बाप का सहारा भी तो तुम ही हो बेटे। लिखो कब आओगे? किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के कचरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गांव ने, आम की छांव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों बसंती मेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गांव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गांव सूना सूना है। घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।